हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल में। और बस आज थोड़ा मन मेरा अच्छा नहीं है, क्योंकि मोहल्ले में कुछ ऐसा हो गया है। किसी के साथ कहते हैं कि मौत से बढ़कर कुछ नहीं होता, और मौत होने के बाद जो है, जब मौत होती है, एक आकस्मिक मौत होती है और किसी वजह से होती है, तो फिर बड़ा ही सोच कर लगता है। और ऐसी ही एक मौत हुई हमारे मोहल्ले में कि जिसका कुछ अता पता नहीं है। उसमें ज़्यादातर जो विवाद आ रहा है, जो लड़ाई झगड़ा कुछ पता चल रहा है, वो यही पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी का लेकर के है। और जानते हैं प्रॉपर्टी को लेकर के अक्सर जो है वो खून के रिश्ते रह ही नहीं गए। प्रॉपर्टी को लेकर क्या होता है कि भाई जो है किसी, अब क्या किया क्या नहीं तो हमें भी नहीं पता, पर हाँ हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो क्योंकि हमारे साथ तो कुछ ऐसा ही है कि शायद कब मिले और कब को गर्दन ही उड़ा दें हमारी। क्योंकि प्रॉपर्टी का केस ऐसा ही है कि मेरे जो ससुर जी थे, वो ससुर जी जब मर गए, तो ससुर जी की डेथ के बाद जब हमने उनकी तेरे वेरे घर की, क्योंकि घर में जो है जब हम गए थे यहाँ पर, तो कोई भी 1 रुपये लगाने को तैयार नहीं था, क्योंकि किसी के पास कोई पैसा नहीं था। जेठ हमारे नल्ले थे, काम धाम करते नहीं थे, तो उनके पास कोई पैसा था ही नहीं। और जब भी उनके पास पैसा आया तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही खर्च किया, कभी भी दूसरों के ऊपर नहीं खर्च किया। हालांकि उन्होंने पिताजी के ऊपर भी खर्च करने की सोची नहीं, पैसा होता ही नहीं था उनके पास कभी भी। खुद की जो पत्नी थी वो भी पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थी, या उसने तो कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जबकि मेरे ससुर जी जो है वो सेकंड क्लास ऑफिसर थे और बहुत अच्छी रैंक पे थे, और मतलब उनकी पेंशन बहुत अच्छी थी, उनका पीएफ बहुत अच्छा था। उसके बावजूद भी हमसे कहा गया हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तो हमने भाई तेरे ही बर्थ से सब कुछ करके आए। और जब हम अगले साल गए, तो अगले साल जो है जब हमने सोचा कि चलो अब तो पापा नहीं है, यानी ससुर जी नहीं है, तो एक होना चाहिए कि हम भी यहाँ सेटल कर लें। तो देखा मैंने कि मेरा जो कमरा था, उस कमरे में जो मेरा सामान रखा था वो उठा के फेंक दिया गया था, एक स्टोर रूम टाइप के कमरे में रख दिया था, वहाँ पंखा भी नहीं था। और जब हमने कहा कि ठीक है अगर चलो यही दे दिया जाए तो इसी को हम पंखा वंखा लगवा लेंगे, तो हमारी जो सासू माँ ने कह दिया, 50 बहाने बना दिए उस कमरे को ना देने के लिए। जबकि उस फ्लोर पे 3 कमरे हैं और बहुत बड़े घर होते हैं गांव में, और मेरी सास ने एक छोटा कमरा देने से मना कर दिया, और दुनिया भर के बहाने बना दिए, और ये भी बैठे हुए हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनकी नीयत, कहते हैं ना एक माँ की नीयत इतनी गंदी तरह से बदली, क्योंकि उनके पास पैसा आ गया था, उनके पास रिटायरमेंट का पैसा है, उनके पास खेती बाड़ी का पैसा है, वो चाहे तो किराए पे उठा करके पैसा कमा सकती हैं, बाग है हमारे पास, बाग का पैसा है, तो पैसा उनके पास इतना है, ज्वेलरी है, सब कुछ है, तो उनकी नीयत इतनी गंदी तरह से बदल गई। और उनकी नीयत जो हमारे जेठ हैं, जो नल्ले हैं, जो कमाना धमाना जिनको कुछ नहीं है, उनको धन्ना सेठ बनाने के चक्कर में कि हम उनको धन्ना सेठ बना देंगे, कहते बड़े बेटे को, उन्होंने छोटे बेटे को उठा के बिल्कुल फेंक दिया। और हमने जो है कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट मांगा अगर ससुर जी का, तो उन्होंने वो भी देने से मना कर दिया, कहते हैं वो भाई साहब के पास, मतलब बड़े भाई के पास है, हम नहीं दे सकते। हमने कहा भाई प्रॉपर्टी का कोई पेपर हो दिखा दो, करे वो अभी हम नहीं दे सकते। और उसके बाद जब हम यहाँ पर, जब हमारे ससुर जी मरे थे, तो उसके थोड़े दिन बाद ही उनका फोन आ गया था कि बंटवारा करना है, मतलब उनको बहुत जल्दी थी, मेरे सास को बहुत जल्दी थी। और बल्कि जो है उनको, बल्कि थोड़ा होता ना कि एक औरत होती है साल भर तक कोई बात नहीं करती है, उसको सदमे से नहीं निकल पाती है, पर मेरी सास को ऐसा कोई सदमा नहीं था, उनको सिर्फ प्रॉपर्टी बांटनी थी। और वो बल्कि मेरे जेठ से फोन करा के ये कह रही थी कि प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करा दो, एक सास के नाम और एक बड़े भाई के नाम, मतलब इस बेटे को जो था वो उसको बिल्कुल क्लीन कर दो कि तुम प्रॉपर्टी बना चुके हो दिल्ली में, मतलब हम मर मर के हमने प्रॉपर्टी बनाई, अब जो है तुम्हें प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, हमारे 2 हिस्से कर दो। इतनी गंदी नियत हो गई मेरी सास की। और सब सामान जो है मेरा वहीं रखा हुआ है, मैं वहां से कोई भी एक भी सामान लेकर नहीं आई हूँ, और उनने एक कमरा भी मुझे नहीं दिया। मतलब कि कहते हैं कि जैसे लग रहा है, कहते हैं ना पति मरा नहीं, कि उन्होंने 2 भाइयों के रिश्ते में इतनी बड़ी दरार डाल दी, जो मर, उनको तो मर जाएंगी क्योंकि हर समय सबका समय होता है, और उनकी भी उम्र अच्छी खासी है अभी, अब तो वो भी पहुंच रही है 70 के करीब। तो उन्होंने जो दरार डाली है 2 भाइयों को, जो अच्छा अच्छे रह सकते थे, जो छोटी फैमिली थी 2 भाइयों की, उन्होंने जिंदगी भर के लिए उसको ख़त्म कर दिया। तो ऐसी माता जी थी हमारी, मतलब हैं सासू माँ। और कहते हैं ना कि बहू सिर्फ, मैं गई थी वहाँ पर तो सिर्फ मुझसे कह रही थी खाना बना दो, मतलब मैं खाना बनाने के लिए हूँ, सारे फर्ज मेरे खाना बनाने के लिए, बहू को आपको कुछ देना नहीं है, आपको कमरा तक नहीं देना है, है? और लोग जिंदा जिंदा में लोग किचन और कमरा दे देते हैं, मरने के बाद भी उनको एक कमरा किचन नहीं दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि जो है बहू को जो है बहुत सर, मतलब मेरे हस्बैंड ने बहुत चढ़ा रखा है, तो मेरे हस्बैंड साथ में देते तो ये लोग मेरे क्या साथ देते हैं,
है, और मतलब कि इनको जो है बिल्कुल 2 साल जो है 2 साल से मेरी सास नहीं आ रही है, सिर्फ इसीलिए कि कहीं ना कहीं ये इनका छोटा बेटा प्रॉपर्टी ना मांग ले, या ये ना कह दे कि मम्मी मेरी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, सिर्फ इस नियत से कि वो प्रॉपर्टी मैं अपने बड़े बेटे को राजा बना दूं और छोटे बेटा भिखारी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है मेरी माता जी की नियत जो है। बैंड बाजा से आपने शादी वादी की और आप उम्मीद करते हो कि जो है बहू जो है घर का काम नौकरानी की तरह करती रहे, और जब बात आती है उसके अधिकार की, उसके न्याय की, तब आपके पास कोई जवाब नहीं होता। आपके पास जवाब होता है कि जेठ कहता है, माँ बहन की गाली देता है और वहां पर सास खड़े होकर सुनती है। जेठ कहता है उठा के डंडे से मारेंगे और सास खड़े होकर सुनती है। तो ये माँ की जो है प्रॉपर्टी को देखकर, पैसे को देख करके इतनी गंदी नीयत बदली है कि मैं तो खुलेआम सोशल मीडिया में कहती हूँ, वो सुन भी रही हो तो सुन ले, और सुन ले तो उनको पता है कि जो भी बात है वो सच है, उसमें से एक बात झूठ नहीं है। क्योंकि मेरी, मैं भी एक माँ हूँ, माँ माँ के लिए मैं ऐसे गंदे शब्द नहीं कहूंगी, पर जब लगता है दिल पर तो जरूर कहूँ, और मैं अपने हस्बैंड के साथ सामने कह हाँ, रही वो तो उन्होंने जो किया वो तो माँ, सुतेली माँ भी शायद ये बात करने में सोचेगी। उन्होंने सुतेला व्यवहार किया, प्रॉपर्टी के दोष से इक्वली किए, और लालच अपने लिए रखी कि भैया हम दोष से कर दें, एक हिस्सा अपने नाम पर, माँ के नाम पर, और एक बड़े बेटे नाम पर। मेरे भी बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कल मुझे पैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, सब उनको जरूरत पड़ेगी। जब तेरे ही हो रही थी तब वो कह रही थी कि बेटा तेरे ही ने करना, बड़े धूमधाम से करना, मतलब पति लॉकडाउन मर के गया टाइम पर है लॉकडाउन पे, आप कह रहे हो कि तेरे ही करना, धूमधाम पे करना, आपकी जेब में एक अठन्नी नहीं है ना, भाई साहब के, भाई साहब तो बिल्कुल ही बिल्कुल जीरो है आपकी जेब में, किसी की जेब में अठन्नी नहीं है, वो अपने बेटे का फर्ज निभा रहे हैं, तो आप बोलते हो धूमधाम से करना, जिसका एक बाप चला गया हो उसको धूमधाम, वर्ड धूमधाम सुनने में ही कितना अजीब सा लगता है। धूमधाम तब किया जाता है जब चीजें सही हो। लॉकडाउन में पिताजी के मरने में कोई आया ही नहीं, मौसी से कोई नहीं आया, चाचा घर से कोई नहीं आया, मामा जी के घर से नहीं आया, तो फिर कोई आया नहीं, धूमधाम क्या। और सुनिए, और लॉकडाउन में 10-15 लोगों की, उनके कहते हैं कि जब कोई पति मर जाता है तो मायके से एक साड़ी आती है, और वो साड़ी जो उनके मायके से आनी थी वो एक साड़ी तक नहीं आई, वो किसने दी, वो जो है वो भी अरेंज की गई है, वो साड़ी तक नहीं आई, और आप जो है उन्हीं रिश्तों की, मतलब आप उन्हीं रिश्तों की वाहवाही करते हो कि जो लोग आपको थूकने नहीं आए आपके घर में, आप मतलब मेरे ससुर जी बहुत अच्छे इंसान थे, जो जिंदगी भर रिश्ते चलाते रहे वो लोग एक बार भी कोई देखने उनका मतलब मरने में नहीं आया, आप उन्हीं रिश्तों घर में जा करके आप कहते हो भैया ये कि मतलब ये तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मतलब उनके लिए आप जान देते हो आज, और मेरे ससुर जी अगर देख रहे होते तो कितना दुख होता उनको कि जिंदगी भर जो रिश्ते चला मरने में कोई नहीं आया, और आज आप प्रॉपर्टी की बात कर, आप प्रॉपर्टी में इतना लालच हो गया आपकी, आपके 2 साल से आप इसलिए नहीं आ रहे कि हम प्रॉपर्टी ना मांग ले गए, है ना, मतलब कि आप वहां गए तो आपने कमरा तक नहीं दिया, आपको मतलब इतना शर्म नहीं आई आपको कि बहू को एक रूम ना हो, रूम होना चाहिए था, मतलब आप कहते हैं ना कि माँ हो चाहे कोई भी हो, इतनी नीयत गंदी हो जाती है, और इन्हीं पूछे इन्हीं को किस तरह से भकाया है ये तो यही जानते हैं, यही जानते हैं कि इनको इनका जो है भाई साहब ने कितनी गंदगी से इनको गाली दी थी। नहीं, गाली वो माँ की गाली बक रहा था, हम भी बक सकते थे, यदि हम बकते तो किसी क्या चीज देती, पर उसने जो किया वो गलत कर दिया। उसको माँ का सह मिल गया पूरा पूरा, माने का उसने पूरा, माँ उसने पूरा माने उसे दे ही रखा है, पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग थी पूरी, और माँ का उसमें रोल बड़ा अहम था। क्योंकि एक माँ चाहती है ना तो ये सब कुछ नहीं होता, जो जिस मतलब जिनकी पैसों के टुकड़ों पर आप पल रहे हो, जिनके आप ऊपर पूरे तरह से डिपेंडेंट हो, मतलब कि आप उनके PF खा रहे हो, आप उनकी पेंशन खा रहे हो, आप उनके खेत बाड़ी का खा रहे हो, तो आप ऐसा लगता है कि वो बिना उस माँ के शह के कोई जो है ऐसे बोल लेगा, उसे पता है कि वो बोलेगा अगर वो मान लो फेवर लेता है या कुछ भी करता है, उसको पता नहीं है कि उसके बेटे की फीस जा रही है, उसकी माँ भर रही है, उसके बच्चे लड़की की फीस भर रही है, लड़की की शादी भी वही करेगी, उसकी रोटी रोटी चल रही है, उसकी दाल रोटी पनीर से तक वो दे रही है, तो उसके वो लगता है कि आप लोग सोच सकते हैं कि एक माँ जो इतने पैसे वाली है उसके अगेंस्ट जो है कोई लड़का खड़ा होगा, वो बल्कि वो मिली भगत थी, और मिली भगत मैं तो सोशल मीडिया में कहती हूँ मिली भगत थी, और आप बताइए ऐसा क्या होता है कि मतलब आप ससुर के मरने का इंतजार कर रहे थे कि इस तरह से आपने उठा के फेंक दिया, मतलब हद है,
कहते ना माँ भी आजकल माता भी कुमाता हो गई है, माँ के नाम पे भी रिश्ते झूठे हो गए, और ये सारे बहुत सारे केस हो रहे हैं आज के, एक डेट की नहीं है, बहुत सारे केस हो रहे हैं इसमें आज की डेट में, इतने सारे केस हैं भाइयों में जो अच्छे संस्कार से पढ़े बड़े हैं कहने को, और मेरी फैमिली बहुत एजुकेटेड है, ऐसी एजुकेशन से फायदा क्या? यदि माँ सही होती तो जब डेथ सर्टिफिकेट मांगा था दे देती। डेथ सर्टिफिकेट में क्या था? डेथ में क्या था? कुछ नहीं था ना, वो भी नहीं दिया। आपको डर था? आपको डर था कि भाई पढ़े लिखे हैं कुछ तो कुछ करेंगे, क्यों मांग रहे हैं? अरे क्यों मांग रहे हैं? मेरा हक नहीं बनता, मेरे वो पिताजी नहीं थे क्या? मैं रोड से लाई थी तुम, जब एक लड़के को तुम हिस्सा दे रही हो, बराबर का दे रही हो, दूसरे लड़के को फेंक दोगी? मेरे दो बच्चे होते तो क्या मैं फेंक देता? नहीं, बराबर का हिस्सा देता। यही नियम है, यही सिद्धांत भी है। और आप कहते हो कि हम आपको खर्चा नहीं देते, आपको खर्चा किस बात का दें? आपके पास पेंशन है, पीएफ है, गांव खेती बाड़ी का है, हम तो कुछ लेके भी नहीं आते और कभी नहीं लेकर आए, तो आप बताओ हम आपको क्या खर्चा दें? बताइए, आपके पास तो इतना पैसा, जितना पैसा हम नहीं कमाते उतना पैसा तो आप खुद, एक औरत पे इतना खर्चा, 20-22 हजार पेंशन आ रही होगी, खेती बाती 12 बीघा खेती कम होती है उससे नहीं आ रहा होगा, आम बगीचा बेचती उससे नहीं आ रहा होगा, पीएफ पापा छोड़ के उससे नहीं आ रहा, तुम्हें नहीं मिल रहा, तभी तो कुछ होते हैं। एक और छोटे शहर में, दिल्ली शहर में लोग 20-18 हजार 15 हजार में बेचारे पूरे महीने घर चलाते हैं और बच्चों की पढ़ाई करते अलग से, उसमें खुश रहते हैं, और तुम जो है पेंशन पीएफ खेती बाती सब कुछ होने बाद तुम्हें वो हो रही है, तुम्हें आना था तो तुम सब छोड़ के आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। अगर आपको कष्ट है तो आप आ जाओ, कष्ट है तो आ जाओ, हम जैसे रह रहे हैं हम वैसे रखें, पैसे की लालच है, पैसे की लालच है तो आ जाओ, हमें उतनी भी लालच नहीं है, डेबिट कार्ड छोड़ के आना, आ जाओ बेटा, तो सेवा ना करे बताना, मैं तुम्हारी तरह सुतला व्यवहार नहीं करूंगा, तुम्हें माँ हो तो मैं माँ बेटा जैसे व्यवहार करूंगा, तुमने जैसे व्यवहार किया वैसा कोई नहीं करता आज के वक्त। तो फिलहाल हम 2 साल से ना वो आ रही हैं और ना ही वो फोन कर रही हैं, वो इसलिए डर के मारे फोन नहीं कर रही हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई व्यवहार बने, उनको पता है कि व्यवहार नहीं बनाएंगे तो शायद हम प्रॉपर्टी छोड़ दें, पर वो इस भूल में, वो गलत है, वो भूल में है कि अगर हम फोन नहीं कर रहे हैं या हम इस तरह नहीं है तो हम जो है न्याय नहीं चाहते, हम न्याय लेके रहेंगे चाहे कैसे भी लेना हो, हम जरूर न्याय लेंगे। और आप लोग भी बताइएगा कि कहाँ ये सही है, बताइए जो बेटा लॉकडाउन में पुलिस के डंडे खा करके पहुंचा और उसने 13 में सारा पैसा खर्च किया, सब कुछ किया, एक बेटे का जो फर्ज होता है तो वो निभाया, आपके घर में राशन पानी तक भरा उसने, और उसके बाद आप उसे कहते हो कि तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है, बड़ा बेटा कहता है बड़ा बेटा जो है, जब इस बार सासू माँ गुजर गई उसके बाद उन्नाव गया अपने घर गया तो बड़ा बेटा कहता है कि निकल जाओ, गाली उसने बकी और कहता है कि मेरे बाप का था ये, अरे तुम्हारा बाप मेरे बाप नहीं थे वो, उस टाइम मैंने बीवी तुम्हें बोला नहीं, वो बड़े भाई से तुम्हारा सम्मान कर दिया, नहीं तो मैं वहीं पर सुनाता तो क्या होता है, तुम जो है तुम्हारा बाप मेरा बाप नहीं है, तब तब बाप तब तब क्यों नहीं आया था, जब तुम ये बात अब तब निकली जब बरसी और तही का हो रही थी तब तुमने तब बात निकालते, अफसोस नहीं है, वो भी मेरे बाप है, तो आए बात तुम तो जिंदगी में नले रहे कमाए नहीं, तो हम तो कमाए ना, तो हमें पता है कि हमें बाप की सेवा में, भाई हम दिल्ली में थे, दिल्ली में हम किस परिस्थिति में गए, लॉकडाउन में यहाँ सारे चाचा ताऊ मिश्रा चाचा ताऊ और मौसी मौसा कोई भी नहीं पहुंचा, हम तो बेटे थे, हमने फर्ज निभाया, हम कैसे भी पहुंचे डंडे खा के पहुंचे कैसे भी पहुंचे, और हमें बरसी निभाई सब कुछ किया, तब तुम करते तब बोलते ना तो पता चलता, तब बोलता तुम्हें अभी अब माँ की गाली करे तब क्या करोगे? अभी माँ कर सकती थी तब क्या होगा, मेरा भी पैसा खर्च होगा तुम्हारा भी पैसा खर्च होगा, और जी तो भी जाएंगे, भाई प्रूफ तो है मैं बेटा होऊंगा, साबित करने कोई बड़ी बात नहीं है, अब पैतृक प्रॉपर्टी है, बट जो भी किया वो गलत है, कोई नहीं, सब ऊपर वाले पे छोड़ते हैं क्योंकि ऊपर वाला जरूर न्याय देता है, और मैं एक टीचर हूँ, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि न्याय के साथ ही चलना चाहिए, सच और झूठ दोनों ही चीजें हम तौलते हैं और उसको करते हैं, तो भगवान मेरे साथ जरूर न्याय करेगा क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। चलिए अपना मूड ठीक करते हैं और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, और आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और दुआ करिएगा कि हमारे साथ न्याय हो। आज के लिए इतना ही,
और सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।